हेलो दोस्तों, बाली की आज की वीडियो में हम करेंगे राफ्टिंग। और हम पहुंच गए अपनी लोकेशन पे। हमें जो हमारे गियर्स हैं वो पहनाए जा रहे हैं, सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे। और इसी बातचीत के दौरान मैं पूछता हूँ कि हमारे गाइड का नाम क्या है, तो वो भाई साहब हमें बताते हैं कि उनका नाम है बकरी। अब हम इंडियंस को थोड़ा सा अजीब लगता है ये नाम सुन के, तो मैं उनको बोलता हूँ बकरी तो हमारे गांव में होती है। फेमस बकरी बकरी अभी है या वेयर वेयर यू सी बकरी इन विलेज इन विलेज इन योर विलेज या और इन इंडिया या। जैसे ही हमें पता लगा सारी तैयारियां हो चुकी है, हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हाय ब्रदर, से दैट व्हाट यू सेड। भारत वेयर भारत माता की, भारत माता की जय। तो दोस्तों, भारत माता की जय करते हुए हम अपना सफ़र शुरू करते हैं। मेन रोड से नीचे राफ्टिंग तक जाने के लिए हमें बीच में खेत और जंगल के रास्ते से जाना पड़ता है। इंडियन इज द रिच मैन या। इट्स माय बॉस। Do you know Salman Khan? The first one to my boss. Yeah. Yeah, of course. Dimar, from Dimar. तो भाई, हमारे बकरी भाई साहब मेरी फिजिक को देखते हुए यहाँ मेरा नामकरण करते हैं भीमा, और अंकित को बोला जाता है अर्जुन। जी हाँ, ये दोनों वही कैरेक्टर हैं जो महाभारत में हैं, हमारे पांडव। और आप देख ही पा रहे हैं कि आसपास पूरा जंगल है, पर ये रास्ता बनाया हुआ है नीचे राफ्टिंग और जो नदी है वहाँ तक जाने के लिए। तो हम बस अब चलते हैं, पहुँचने वाले हैं। थोड़ी देर का ही रास्ता है राफ्टिंग के लिए। तो दोस्तों, हमने ये राफ्ट इंडिविजुअली ली थी, मतलब मैं, अंकित और बस बकरी ही इस पे राइड करेंगे। बाकी यहाँ अलग अलग कंट्रीज़ के लोग आए हुए थे, आप देख सकते हैं सभी अपनी राफ्टिंग कर रहे हैं। तो हमारी भी राफ्ट भाई तैयार हो रही है, हवा वगैरह भरी जा रही है उसमें। ये येलो वाली हमारी राफ्ट है और बकरी जी बस अभी रेडी कर रहे हैं उसको। अभी हमें थोड़े से बेसिक इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। काफ़ी लोग यहाँ राफ्टिंग के लिए आए हुए थे, यही एक नदी है जहाँ राफ्टिंग होती है। तो उनकी तो जल्दी है कि चलते हैं। पीछे देखो। और ये अमेज़न के जंगलों में रियल रियल।
दोस्तों मैं राफ्टिंग के बारे में एक बात बता दूं, ये नदी आपको बहुत गहरी लग रही है बट भाई ये मेरी टांगें भी पूरी इसमें नहीं डूब पाएंगी। और जो हमारी ऋषिकेश की राफ्टिंग है वो भाई बहुत इससे एडवेंचरस और बहुत फास्ट है, बट भाई एंजॉय करना तो अपने ऊपर ही होता है, पैसे लगे थे तो एंजॉय भी करना है। और दोस्तों अभी आगे आने वाला है एक बहुत ही प्यारा वाटरफॉल। Here is Bakri, our guide. Moments later. वॉटरफॉल पे कुछ देर रुकने के बाद दोस्तों हम फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। और इतने में ही बारिश बहुत तेज हो जाती है यहाँ पे, हमें ठंड भी लग रही थी बट मजा भी आ रहा था, बारिश में मजा दोगुना कर दिया था यहाँ पे। अब रास्ते में बहुत सारी, मैंने आपको पीछे दिखाया रॉक क्रेविंग्स थी, अब यहाँ पे भाई कुछ ये इंसानों ने ही ये पत्थर वगैरह इस तरीके से रखे हुए हैं जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे थे। और यहाँ से अभी हमारी होने लग जाती है भाई रेस सामने वालों से, तो मैं भाई थका हुआ था बट फिर भी लेटे लेटे भी पूरी जान से अपनी, क्योंकि इंडियंस का तो ये है ना भाई, जहाँ रेस लगती है वहाँ तो अपना 100% देना ही देना है। और दोस्तों बकरी ने मुझे धीमा धीमा कमोन धीमा बोल बोल के इतना पंप किया कि मैंने अपनी सारी एनर्जी लगा दी। उसके बाद हमें चाहिए थोड़ा सा रेस्ट। दोस्तों यहाँ हम रुके थे एक छोटे से ब्रेक के लिए, क्योंकि ये मिनिमम 10 से 12 किलोमीटर का ट्रैक है पूरा जो राफ्टिंग का है। तो गाइज यहाँ पे कुछ फोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह लेने के बाद हम दोबारा से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। तभी हमारे साइड से ना कुछ राफ्ट्स जाते हैं आगे, 6-7 राफ्ट्स जो दूसरे राफ्टिंग वाले थे उनकी। तो भाई मैं और अंकित बोलते हैं कि चलो इनके साथ रेस करते हैं, अब आप आगे देख पा रहे हैं कि राफ्ट जा रही है। तो दोस्तों हम तीन बंदों ने, बाकी सब राफ्ट्स में मिनिमम 7-8 पर्सन थे, हम थे तीन बंदे, मैं अंकित और हमारा बकरी जो हमारा गाइड है, हमने भाई सब राफ्ट्स को पीछे छोड़ दिया। बहुत ही थका देने वाली राफ्टिंग थी ये बट मज़ा बहुत आया। मज़ा बस इसलिए आया क्योंकि लास्ट में हमने जो रेसेस लगाई हैं और बारिश भी हो रही थी गाइज, फ़ोन में बार 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 शूट करने में प्रॉब्लम तो हो रही थी बट इट वॉज टोटली फन। अब दोस्तों हमारी राफ्टिंग यहाँ पे ख़त्म होती है, हम पहुँच जाते हैं अपनी लोकेशन पे जो कि एंड पॉइंट है। और दोस्तों देखिए कितनी बारिश हो रही है और हम वहीं खेतों के रास्ते से वापस से हम अपने लोकेशन पर जाते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। और बारिश में दोस्तों मज़ा बहुत आया। जो हमने पैकेज लिया था इनसे राफ्टिंग के लिए उसमें भाई हमारा मील सब इंक्लूडेड था, प्लस में हमें जो अभी शावर वगैरह लेना है, टॉवल वगैरह, वो सब भी इंक्लूडेड था यहाँ पे, हमें सब फैसिलिटीज़ दी पाई। तो बस अपना खाना खा के हम इस व्लॉग को एंड करते हैं। कैसा लगा व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।